हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं पुष्पा 2 द रूल मैसिव ट्रेलर लॉन्च इवेंट लाइव जो हुआ था, और उसमें कई आप लोगों के कमेंट्स आए हैं कि भैया हम भी पटना से हैं और हम तो वहां गए भी थे। मैंने कहा अरे वाह क्या बात है, बहुत भीड़ थी जो हमने एक छोटा सा किया था जिसमें ये, और मुझे पता नहीं है उसके बाद को डांसेस हुए क्या हुआ, आई डोंट नो। वो तो एक पार्ट ऑफ फंक्शन का पार्ट था कि अल्लू अर्जुन आता है और कुछ अंग्रेजी में बोलता है और जिसमें वो मैं पूछ रही थी ना पार्टनर करा, वो पार्टनर नहीं था, पटना ही था, पटना को पार्टनर उस टाइप से सुन रहा था। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या होने वाला, चार तीन दो जोश दिखाओ, दो में रुक गए और एक ऑल आईज ऑन द बिग स्क्रीन, हियर वी गो। गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। इसी कोशिश में पुलिस ने पुष्पा पर बरसाई गोलियां। पता चला है कि पुष्पा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की है। भामरागढ़ की पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा की कुछ कपड़े बरामद किए। खून से लथपथ शर्ट पर 8 गोलियों के निशान। पुलिस के हाथों पुष्पा की हत्या की आशंका की वजह से आठ गोलियां लगी। किसी भी इंसान का बचपना नामुमकिन। पुष्पा को मारने की एक साजिश थी। वो मरा ही नहीं है। यही देख रहे हैं कि पुष्पा पैसे किस तरह कमाता था। पर तुम्हारा भाई क्या था, पुष्पा ने उन पैसों का क्या किया? मेरी बेटी का हार्ट ऑपरेशन हुआ, उसका पैसा पुष्पा ने ही दिया। पता नहीं अब ये ठीक है। बेटी की शादी पुष्पा ने ही कर रही है। पुष्पा ने ही हमारे घर बनवाए। अरे वो हम गरीबों को खाना खिलाता था। एक महीने के बाद भी दंगे जारी हैं। कई इलाकों में अभी भी सेक्शन 144 लागू है। कुछ लोगों का मानना है कि पुष्पा अब जिंदा नहीं है। अफवाह ये भी है कि वो जापान, मलेशिया या चाइना में कहीं हो सकता है। पुष्पा की बॉडी छुपा कर क्या पुलिस हमें गुमराह कर रही है? आखिर पुष्पा है कहाँ? कैमरा का वीडियो हमारे चैनल ने अभी प्राप्त किया है। ये कैमरा से शेरों को मॉनिटर करते हैं, उनकी फुटेज अब आप हमारे सिटी केबल स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर जंगल में कोई जानवर दो कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, लेकिन जब शेर ही दो कदम पीछे ले तो पुष्पा आया है। इसकी भी आंखें चमक रही हैं। पुष्पा का कुछ नहीं हुआ, पुष्पा जिंदा है ना। इतना सारा इन्होंने दिखाया है। अब रूल पुष्पा का, रूल पुष्पा का। जो हमने ट्रेलर देखा उसमें तो ये सब कुछ भी नहीं था। पुष्पा जिंदा है और आज आज की शाम यहाँ पटना में है। और अरे बहुत ही जो ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च हो रहा है आपके अपने शहर में, चाहे पीछे का था। पावर्ड बाय फैनिज्म, वॉच प्ले विन। कह रहे लास्ट मूवी का हिट भी पटना बहुत सबसे ज्यादा बिहार से ऊपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आउटडोर पार्टनर्स अभी तो पटना में किया है आउटडोर। एंड लेट मी टेल यू, अभी यहाँ पे मैक्सिमम फैन फॉलोइंग के लिए बहुत कुछ होने वाला है। और इसके बाद आज आप में से कोई एक
या शायद देश के किसी और कोने में एक बाइक जीतने वाला है, और उसके बाद भाई जी तो ये कोई मेला वेला का एरिया लग रहा है, 2,00,000 रुपए कैश जीतने वाला है। 2,00,000 वो 200 करोड़ 300 करोड़ बना रहे हैं 2,00,000 की बात कर रहा हूँ। इस शाम की शुरुआत हो चुकी है, जोश एक अलग लेवल पे पहुंच चुका है, तो अब मैं पिछली मूवी में 90 करोड़ कमाया था उसने और इसमें उसने 300 करोड़ आपको दिल लिए देने वाले हैं। देने वाला दे रहा तो ठीक है, देने वाला चुप पर मार के था। सर ओवर टू यू, कैन यू इमेजिन समबडी गेटिंग 300 करोड़, सोच नहीं सकती। इतनी दीवानगी होगी तो मिलेगा ही। सत्या मास्टर ग्रुप ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे आए हैं हमको एंटरटेन करने के लिए। हम सब सेट भी बड़ा अच्छा बनाया है, पूरा स्टेज स्टूज पता था उन्हें बहुत लोग आएंगे। अंधेरा हो गया, ओए ओए ये तो डेंजरस है, इतनी भीड़ में अंधेरा नहीं तो सेग्रीगेटेड किया होगा, वो लोग उधर हैं ये लोग इधर हैं, तो वहाँ पे भी तो अंधेरा ही होगा। भाई गॉड ऑन करो भाई। यार मुझे तो वो बड़ा मजा दाजा का जो पूरा सीन दिखाया कि वो उसको कहते वो मार दिया और वो सब, और फिर वो था ही नहीं वो, और कह रहे कहीं कनाडा में है या बाहर कंट्री में है, पर वो निकला यहीं पर ही अपने ही उस जंगलों में। चलो भाई हाँ क्या कर रहे हैं, ओ कुछ सेटिंग हो रही होगी, कोई डांस या कोई परफॉर्मेंस होगी। अभी फास्ट लेफ्ट 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 हो गया ना, देखा मैं बोल रही थी कुछ होगा, देखा ये इसलिए अंधेरा किया था। देखा पूरा स्टेज का सिस्टम उन्होंने किया हुआ है, वाह डांस हो रहा है, उसी के किसी गाने पे होगा ना वो भी उसकी तरह ही बनके ना वैसे ही बनके डांस कर रहा है, बिना गाने के अजीब सा लगता है, कॉपीराइट होगा ना। नहीं नहीं बिना गाने के जो डांस डजंट लुक दैट ग्रेट होता है, ये पुष्पा के ही गाने पे होगा। पर देख लो का फिर भी अच्छा लग रहा है, कितनी प्रैक्टिस की होगी उन्होंने इसके लिए। मेन तो उसी को करना चाहिए था, अल्लू अर्जुन को करने चाहिए थे परफॉर्मेंसेस, ये प्रोफेशनल डांसर्स कर रहे हैं। पर अल्लू अर्जुन भी तो उसमें था, तो वो भी करते तो ऋतिक रोशन और ये सब करते तो हैं फंक्शनों में, तो ये वो भी कर ही सकता है। ये कौन सी लेडी थी, वो भी कोई मिनिस्टर की वाइफ हो क्या किसी की। स्टेज की सेटिंग देखो पीछे पूरा, ओए होए वाह, तो इसकी एंट्रेंस फ्री थी क्या, कोई भी जा सकता था क्या, बताना जो गए आप लोग गए हो तो। आई थिंक सो, कोई भी आ सकता है। नहीं कोई किसी ने बोला था इसी में उसने इतना बता नहीं कितने हजार करोड़ तो इसी इवेंट में ही कमा लिए हैं, कुछ ऐसा कुछ मैं पढ़ा था कहीं, डिमांड है तो ठीक है, मतलब यहाँ पे ही कुछ कितने करोड़ हो सकता है टिकट से अंदर आना, जनता अगर आएगी तो डिमांड तो दिखाई दी जनता ने। पूरी परफॉर्मेंस हो रही है, अरे ओए होए ओए होए, अच्छा करा है, अच्छा करा है, स्लाइड होते हुए ये खुद चल के हो रही है कि कुछ नीचे है जो मूव हो रहा है, वाह इट वाज नाइस। ये प्रोफेशनल डांसर्स होंगे ना, जो स्पेशल लोग हैं उनको वो वाइट सीटें जो कपड़े में वो आगे बिठाया होगा। तो ऐसे में आपके लिए कुछ बहुत ही खास है हमारे पास है। ओ ये देखो कहाँ चढ़ गए ये लोग, वॉच प्ले एंड विन, मैं आपको बता देता हूँ डेंजरस की एक बड़ी कमाल की चीज है। नहीं आप देखते हैं या अपने स्टार के बारे में जो भी जानकारी अर्जित करते हैं उसके बेसिस पे अब आप एक बाइक जीत सकते हैं, और साथ ही
2,00,000 रुपए कैश जीत सकते हैं, और उसके लिए करना सिर्फ आपने इतना है कि fanism.com पे जाना है देखो तो और बस बिना किसी एंट्री फीस के। ये डेंजरस किसी और चीज पे चढ़ गए जो ऐसी बीच में होगी। थोड़ा सा इंतजार करना है, कुछ एक सवाल पूछे जाएंगे। आज का जो मेगा कॉन्टेस्ट है वो पुष्पा 2 द रूल के इर्द गिर्द खेला जाएगा। बड़े ध्यान से सुन लो सब लोग, क्योंकि बहुत काम की बात है। आज का मेगा कॉन्टेस्ट होने वाला है पुष्पा 2 द रूल के इर्द गिर्द। कुछ आसान से सवालों के जवाब देने हैं और आप TVS रेडर या फिर 2,00,000 रुपए कैश जीत सकते हैं। करना सिर्फ इतना है, That is not कि पीपल चढ़ के देख सके, कुछ और है। ओ, दोनों साइड है, कुछ और है। ये लोगों की मदद के लिए fanism.com बैठे और बड़े बड़े पिलर कर देते थे। आज के इस कार्यक्रम के बाद कुछ एक सवाल जिनके जवाब आपको दिलाएंगे बड़े बड़े इनाम, और ये तो बस कितने फॉलोअर है। लेडीज एंड जेंटलमैन और पटना के रॉक स्टार्स, रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है फैंस का। इस बड़े पर्दे की ओर होनी चाहिए, पता नहीं यहाँ पे सबसे ज्यादा पब्लिक आएगी तभी। पुष्पा 2 का एक टीजर, अच्छा टीजर आ रहा है, वो क्या था फिर पहले वाला? Ladies and gentlemen, fanism watch play win India's number one quizzing app, जहाँ पे आप अपना fanism दिखा के जीत सकते हैं बड़े बड़े इनाम, और वो भी ये एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं ना, पैसा भी कमा रहे हैं। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले, वो टीजर चलाने से पहले, जैसा मैंने कहा, अपने अंदर के उस अल्लू अर्जुन सर को निकालो, अपने अंदर के पुष्पा को निकालो। ना भाई, हमारे अंदर का पुष्पा नहीं है। जब भी किसी को बोलते हैं मुझे करके बताओ, कितने लोग एंटरटेनमेंट को सरसर करते हैं क्या साउथ इंडिया में? पीछे वालों को सर कर रहे हैं अल्लू अर्जुन सर, इधर वालों को वहाँ करते हैं। चलो एक रिकॉर्ड बनाते हैं, एक रिकॉर्ड बनाते हैं। एंटरटेनर सर कर रहे हैं, हो सकता है उनका वहाँ पे नॉर्म होता है, उनके में ये करते होंगे, साउथ में होता होगा। साथ में पुष्पा का टाइटल ट्रैक गाए, क्या बोलते हो? सो 3, 2, 1 पुष्पा पुष्पा पुष्पा। इन लोगों ने शुरू किया है, आ भाई नहीं रहा। They're like once more, अभी से पता नहीं कैसे once more. All eyes on the big screen. We are playing the teaser of Pushpa 2. आप सब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस टीम के लिए. And of course, भाई अगर मैं तुम बीयर देख के इतना होती हर बार जब वो दो सेक्शंस हैं, एक थोड़े कम डेंसिटी वाले खाई देते हैं. Give me up the teaser. चलो टीजर देखें फिर से recap. By God. Okay. खबर बन चुकी है. खबर बन चुकी है. कि पुष्पा इज अबाउट टू एंटर द प्लेस, लेकिन अच्छा अल्लू अर्जुन आ रहा है यार। हाउ आई विश हम लोग उधर तक आ पाते और वहां सबके साथ मुलाकात कर पाते। मैत्री मूवी मेकर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, मुझे लगता है प्रोड्यूसर साहब के लिए जोरदार तालियां बनती हैं, वो प्रोडक्शन स्टूडियो जिन्होंने इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट बनाया है, एंड ऑफ कोर्स सुकुमार राइटिंग्स, ऑफ कोर्स उनके लिए जोरदार तालियां बनती हैं, बिकॉज़ इन प्रोड्यूसर्स ने एकदम इस भारत की सबसे बड़ी फिल्म का बहुत पैसा कमाया है। जोरदार इस बार तो और कमाई हो रही है। नकाश अजीज यहाँ पर पहुंच चुके हैं, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। ऑफ कोर्स वेलकम नकाश भाई, थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए, मुझे पता लगा एक धमाकेदार परफॉर्मेंस आपकी भी होने वाली है अब से बस कुछ ही देर में। इससे पहले कि मैं यहाँ पे नकाश भाई को न्योता दूं मंच पे आने का, इतना ही बोलना चाहूंगा मैत्री मूवी मेकर्स के लिए कि भाई इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसको आप सब तक लेकर आए हैं, आई एम श्योर आप सबका सपोर्ट मिलेगा, और इसीलिए यहाँ पटना में ये ग्रैंड लॉन्च हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश दुनिया में इस समय हम लोग लाइव हैं, आप सबको पूरा देश दुनिया देख रही है, एंड अपने लिए इसी बात पे एक बार जोरदार तालियां बजा लो। मैं प्रोड्यूसर्स को यहाँ पे आमंत्रित करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ बहुत ही खास है इस कमाल के प्रोडक्शन स्टूडियो को लेके जो कि इस बड़े पर्दे पे अब चलने जा रहा है। तो ऑल आईज वन मोर टाइम ऑन द बिग स्क्रीन लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड याद रखिएगा आज बहुत कुछ जीतने का मौका है यहाँ पे, हमारे सुपरस्टार्स आएंगे, वो अभी तक आया ही नहीं होगा ना, आपके दिल जीतेंगे, लेकिन आप भी यहाँ पे बहुत कुछ जीतने वाले हैं। सो हियर वी गो, आ गया मैंने कभी नहीं आया, नहीं है वो पीछे कौन है, मुझे लगा जैसे पीछे आ गया, ये कौन है, ये किसको दिखा रहे हैं? दर्शकों तक पहुंचाने वाली निर्माण संस्था है मैत्री मूवी मेकर्स। तेलुगु में श्रीमन थोड़ू से शुरू हुआ मैत्री का सफर आज भारत की सबसे बड़ी प्रोडक्शन हाउस बनने तक पहुंच गया है। अगर कहानी पसंद आती है तो वो उसे एक शानदार फिल्म में बदलकर थिएटर तक लाने के लिए सब कुछ कर देते हैं।
मैत्री के निर्माता नवीन जी और रवि जी छोटे बड़े का फर्क किए बिना बेहतरीन प्रोडक्शन वैल्यूज के साथ हर बार ब्लॉकबस्टर्स देते हैं। भैया इसमें जो सबसे मतलब आप बोलोगे ना कि हाई पॉइंट या हाईलाइट क्या था, वो था वो जो शुरू में उन्होंने वो पूरा वो सीन जो दिखाया कि भैया वो कहाँ, वो उसको तो पुलिस ने मार दिया है, गोलियां लग गई हैं, इसकी शर्ट है, या फिर उसके बाद दंगे हो रहे हैं और लोग परेशान हो, दिखा रहे हैं कि वो बंदा एक्चुअली में अच्छा है, वो गरीबों की इतनी सेवा हेल्प करता था और लोग इंटरव्यू में बता रहे हैं कि वो तो हमें पैसे देता था, हमारे बच्चों को करता था, फलाना ठमकाना जो हेल्प चाहिए होती थी वो देता था। तो मतलब उस टाइप से वो जो गरीब लोग हैं उसके लिए वो हीरो था और सिस्टम के लिए वो गैंगस्टर, वही लॉरेंस बिश्नोई टाइप का ही वो स्टोरी टाइप कुछ कुछ तो अच्छा अच्छा बना था, वो बहुत अच्छा था वो मेरे, मुझे उसमें वो सबसे थोड़ा हर एक मूवी में साउथ इंडिया की थोड़ा सुपर ह्यूमन पावर्स आती हैं, मगर प्रेजेंटेशन शेरी पिक्चर चला, दैट इज नॉट रियलिटी में तो नहीं, मगर इन्होंने प्रेजेंटेशन अच्छा किया था, बहुत बड़े स्क्रीन थे, बड़ी बड़ी जनता थी, तभी तो इतने लोग दीवाने हुए हैं, इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, मतलब इन्होंने जो ऑर्गेनाइज किया इट्स प्रीटी गुड, वो बात अलग है कि अपनी प्रमोशन भी हो रही है, सब चीजें भी हो रही है, बट इतना ऑर्गेनाइज करना इट्स वेरी नाइस, बहुत ही मतलब, और जिस तरह से दीवानी होके जनता आई है, दैट वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग यार, माइंड ब्लोइंग। तो चलो यार, होप करते हैं आपने, आपको यह सब स्टोरी का पता था कि पीछे की इसको गोली मार दी, ये हो गया वो हो गया, हमारे टीजर में तो कुछ भी नहीं था इतना ज्यादा जो इन्होंने दिखाया। तो चलो होप करते हैं आपने भी इंजॉय किया होगा, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।